नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। गाजियाबाद दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियां दोबारा से लागू की गई हैं। ग्रेप येलो अलर्ट के लागू होते ही अब मेट्रो भी आधी क्षमताओं के साथ चल रही है। नियमों में सख्ती के साथ ही मेट्रो स्टेशनों के बाहर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई है। गाजियाबाद के शहीद स्थल नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें आपके सामने हैं। मेट्रो के दोनों एंट्री गेटों पर मेट्रो यात्रियों की लंबी कतारें नजर आ रही है। लोगों को घंटों की देरी अपने कामों में पहुंचने में हो रही है। मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि नियमों को लागू करना उचित है, लेकिन नियमों को लागू करने के बाद उनका पालन सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जहां कोरोना के बचाव के लिए यह नियम लागू किया गया है, लेकिन यहां लाइनें लग गई और कोरोना के नियमों और सोशल डिस्टेंस का पालन भी यहां नहीं हो रहा। ऐसे में लोगों को कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लोग लंबी लाइनों में यहां मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए नजर आए। अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का 50% का ऑर्डर आया ना कल, अमित त्यागी कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ, मैं दिल्ली ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे कम से कम 20-25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर खड़े हुए। और कितनी आप लेने को किस मानते हैं और निगम कर रहे हैं? मेट्रो में तो है पर यहाँ लाइन में 2 गज की दूरी मेंटेन, आप देख सकते हो लाइन में कितनी दूरी मेंटेन हो रखी है। लोग लगातार खड़े हुए हैं और कम से कम 20-25 मिनट से लगातार खड़े हुए हैं और डिस्टेंस का तो कोई पालन हो ही रहा है। खतरा तो पहले बढ़ चुका है ना, अब इस तरह से चलो ठीक है, डिसीजन लेना ठीक था, लेकिन ये डिसीजन अगर पहले लिया होता ना सही टाइम पे, तो आप लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। हुए हैं यहाँ पे शशि कुमार शर्मा सर, करीब 1.5 घंटा हो गया। कहाँ जाना है आपको? IITO दिल्ली। सर वो हम उस निर्णय की सराहना करते हैं, लेकिन यहाँ भी देख रहे हो ना कोविड यहाँ कहाँ बच रहा है। इतनी पब्लिक है लाइन में खड़ी हुई है, टाइम से नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा सा इस पर देखें और पब्लिक को परेशानी ना हो।